हेलो एवरीवन, पद्मावत मूवी तो आपने देख ही ली होगी। मूवी देखने के बाद मेरे मन में कई सारे सवाल हैं, क्या सस्ता और क्या झूठ। और इस सब का पता करने के लिए मैंने एक डिवाइस का आविष्कार किया और इस डिवाइस की मदद से हम आत्माओं को बुला सकते हैं, बात कर सकते हैं उनसे। अब आप कहोगे आत्माओं को, सीरियसली बकलोली में ना लॉजिक मत ढूंढो। तो हम आज बुलाएंगे एक ऐसी ही भटकती हुई आत्मा को। तो शुरू करते हैं आज की बकलोली विद भटकती हुई आत्मा अलाउद्दीन खिलजी। तो सर स्वागत है आपका हमारे शो में। कुछ ही, तुम कौन हो? सर पहचाना नहीं। तुम हमारे बेटे शिहाबुद्दीन हो? अरे नहीं। फिर तुम कौन हो? सुमित। क्या मंसूबा है तुम्हारा? हमें जहन्नुम से क्यों बुलाया बताओ, वरना हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे। ब्रो से थैंक यू टू मी कि मेरी वजह से 5 मिनट के लिए तुम्हें आराम मिला है यहाँ पे थोड़ा, इसके बाद वापस तुम्हें नरक ही तो जाना है। शुक्रिया शुक्रिया बिरादर, इस एहसान के बदले हम तुमको अपना गुलाम बनाती। भाई सुन, मैं ऐसे ही सही हूँ। तुम्हारी खुश नसीब ही समझो गुलाम। बोला ना ब्रो, आई एम ओके। नहीं तुम गुलाम हो। गुलाम हम अभी कहाँ पर है? खिलजी भाई हम ना अभी दिल्ली में। दिल्ली में है? तो तुमने अपने सुल्तान को पाइंदाबाद भी नहीं किया। अरे अब आप दिल्ली के सुल्तान नहीं हो, केजरीवाल है। ये कौन मनहूस है? वो छोड़ो, बहुत लंबी कहानी है। लेकिन हम तुम्हारे सुल्तान है, पूरा हिंदुस्तान पे हमारी हुकूमत है। वो नरेंद्र मोदी ने टेक ओवर कर लिया है। ये कौन लोग हैं? देखो वो पहले वाला बनिया था और ये वाला ना ये गुजराती है। अच्छा गुजरात, वहाँ तो हमने कब की फतेह पाली, वहाँ से ही तो हम खरीद के लाए थे मलिक को। मलिक कपूर? हाँ, हमारे सबसे अजीज, सबसे खास, हमारे प्यारे चहेते गुलाम। हाँ हमने फिल्म में देखा था, कितना खास था। फिल्म? वो क्या होता है फिल्म? अरे नाटक, नाटक टाइप कुछ। अच्छा नौटंकी वाले। इन लोगों ने तो सारी नस्ल ही खराब कर दी। बंसाली को जाके बोलो। अभी हमारे पास ना आपके लिए बहुत सारे ढेरों सवाल हैं। तो हम क्या करें, दफा हो जाओ दफा। अबे अबे मेरा शो है, जवाब दो, इसीलिए तो आपको यहाँ बुलाया है, जवाब दो। ठीक है पूछो। ठीक है, पहला सवाल, क्या आप गे हो? वो क्या होता है? समलैंगिक। अच्छा हाँ, मतलब आप हो? बिल्कुल नहीं, हम दोनों से बेइंतहा इश्क करते हैं, मर्द हो या औरत हम भेदभाव नहीं करते। ओके, दूसरा सवाल, ये पेंटिंग देख के कुछ याद आया, चित्रकारी? ये तो हमारी तस्वीर है मलिक के साथ, 1000 दिनार देके हमने खुद ही ये तस्वीर बनवाया। ओके कूल, वैसे हमने हिस्ट्री बुक्स में या? इतिहास की किताबों में हमने काफी पढ़ा है कि आपके हरम में 50,000 मर्द थे जिनके साथ आप कुची कू करते थे। कुची कू? वो क्या होता है? पूछकाशी और कुश्ती के अलावा जो आप अकेले में नहीं करते मर्दों के साथ, वो। अच्छा वो हमने ही लिखवाया था तारीखे फिरोजशाही में। ऐसा क्यों? ताकि दूसरे राजा समझे कि हमको औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं और अपनी रानियों को हमसे दूर ना करे। आपको दूसरे राजाओं की रानियां क्यों चाहिए? आपकी तो खुद की 4 बार शादी हुई थी। तो क्या हुआ, 4 दफा निकाह करने से ख्वाहिशें तो नहीं मरती ना गुलाम? गुलाम और अम्मी जान हमेशा कहा करती थी। अम्मी जान, सारा मसला ख्वाहिशों का ही है। ख्वाहिशें? हमने तो ये भी सुना है कि आपको बिना दाढ़ी वाले मर्द बहुत पसंद थे, क्या ये सच है? बेशक, हर नायाब सीखने पर अलाउद्दीन का हक है। तुम हमारे साथ कितनी देर से बैठे हो, हमने तुम्हें कुछ कहा? सर सर मैं चिकना नहीं हूँ, ये देखो दाढ़ी। बेगरत, तुम्हारे ये मजाल बालों के साथ हमारे सामने आओ। सिपाहियों इसे बंदी बना लो। आप जादूगर हो क्या, बंदे को बंदी बना दोगे? क्या मतलब गुलाम तुम्हारा, गुस्ताख? और हमारे सिपाही कहाँ हैं? भाई अब आप सुल्तान नहीं हो। लगता है आपकी तशरीफ के नसीब में हमारे पैरों की ठोकर है। अच्छा यू वांट टू किक माय एस, आप मुझे लात मारना चाहते हो ना? इतनी उर्दू ना मुझे भी समझ आती है। तुम बहुत दिमाग वाले लगते हो। थैंक्स ब्रो। वैसे यार तुम्हारी वो पहली बीवी नहीं थी मेहरुनिसा? एकदम गजब यार, मूवी में भी पता अदिति राव हैदरी आया है, क्या मजा आ गया। गुलाम मलिका जहाँ के बारे में ऐसे नहीं बोलते। मैं तो बोलूंगा, क्या कर लोगे? तुम दूसरों की रानी पर नजर डालो तो चलता है, मैं तुम्हारी मलिका में डालूंगा। नजाकत से बात करे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जूती आपके सर का ताज बन जाए। जली ना, तुम्हारी जली ना। ठीक है अगला सवाल, इन्हें पहचानो। कौन है ये हसीना? रानी पद्मावती। कौन पद्मावती? अरे चित्तौड़ की रानी जिसके पीछे बावड़े हो गए थे तुम। जिसके इश्क में हम बावले हुए थे वो तो रानी पद्मिनी थी। अबे तो भूतनी के पेंटिंग में क्यों नहीं पहचाना? हमने तो कभी देखा ही नहीं तो कुछ ही कैसे पहचानेगा। अच्छा बिना देखे ही? साला 700 साल बाद आज जाके देखने का मौका मिला है। तुम्हारा ये यंत्र तो बहुत ही अच्छा है। खिलजी अंकल, इस यंत्र के थ्रू ही ना आपको लोग भी देख रहे हैं। कौन गुस्ताख देख रहे हैं हमें? अरे पूरी दुनिया देख रही है इसमें से। हाँ यार क्या चीज है, कुदरत का करिश्मा है। अरे नहीं, इन्वेंशन है साइंस का, विज्ञान। दुनिया कितनी बदल गई। हाँ जी सब बदल गया है। अभी आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, वो वीडियो देख के बताओ। आप
ऐसा लगा कभी इसका बच्चे इस साल कौन सी जबान बोल रहे हैं ना बेरा। अरे ताऊ हरियाणवी है, पता सपना के गाने नहीं सुनता। कौन है ये सपना? अरे बिग बॉस वाली। नहीं सपना, सपना ना वो सपना जिसे एक बार देख लिया ना तो बावले हो जाओगे आप, दूसरी पद्मावत बन जाएगी। अच्छा अब तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, निकल लो यहाँ से। करनी सेना वाले आ गए ना थिएटर जला रहे, तुम्हारी भी जला देंगे। कुछ ही हमारी सेना के आगे तो मंगोल यादव और पांड्या राज्य तक नहीं टिके, ये कौन सी सेना है? ब्रो वो ना तब की बात रही होगी, आज तो ना तो तुम्हारे पास सेना है और ये सेना ना बिल्कुल अलग है। मतलब कि ये जो सारे राजपूत है ना, आज ये जो सेना है ना इसमें इतनी यूनिटी है, इतनी एकता है कि अगर ये एकता तब होती ना तुम्हारी कभी औकात ही नहीं होती हमला करने। वो खबीस की औलाद क्या बोलता है? ओए साले बाप तेरे बच्चे साले यही पटक पटक देना साले प्राण निकाल दूंगा तेरे। माफी जहां पना माफ साले, जहां पना आलम पना छाड़ पना साले तू होगा साले ढूंढ में साले दिल्ली से साले मिनट से पहले फाड़ दूंगा साले। तो होगा कभी दिल्ली का सुल्तान साले, भूतकाल वाला भूत है बच्चे भी नजर रखते तुझसे, अब तू आउटडेटेड है, पुराना घिसा पिटा जो भी है दुनिया भूल गई तुझे साले। आप कटले बटले निकल ले यहाँ से, एक केजरीवाल बर्दाश्त करें साले, तुझे बर्दाश्त नहीं करें फोड़ डालूंगा साले। आपको बात करने की तमीज नहीं, आपके वालिद साले। साले बाप के बारे में कुछ नहीं बोला साले, वरना वाहेगुरु जी तू 100 साल की गर्दन उखाड़ दूंगा। गुलाम हम जा रहे हैं, हमें बुखार होने लगा, हम जा रहे हैं। रुक बावड़े तुझे अभी वापस भेजता हूं, लेकिन जाने से पहले हमारे जो दर्शक है ना उनके लिए गाना सुना दे। चले गिटार बजा दे, लौंडा गाएगा अपना। जब से पहना है मैंने ये इश्क सहरा हल्ली बली हो गया, दुनिया से मेरा हल्ली बली हो गया, हल्ली बली हो गया, दुनिया से मेरा हल्ली बली हो गया। देखा दोस्तों आपने, ये हलवा तो गाना गाके निकल गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव अ थम्स अप, लाइक मारना वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक ले बाय। शुभ रात्रि, शुभ खैर, वणकम, सुसरेगाल।